सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज आ चुके हैं महिंद्रा XUV 700 के AX3 वेरिएंट के सामने। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे ना सारी की सारी जितने वेरिएंट्स हैं ना XUV 700 के, सब कुछ अपलोडेड है, सारे पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लेकिन अभी तक AX3 का जो वेरिएंट है ना इसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो अब बात करते हैं आज इसके बारे में। पहले तो इसकी प्राइसिंग वगैरह बताऊँ, ये 15 लाख आपको 28,000 के अराउंड एक्स शोरूम पड़ता है इसका पेट्रोल में, और डीजल में अगर आप लेने जाओगे ना तो डीजल में आपको ये पड़ती है 15,80,000, ठीक है। तो भाई आज इसके बारे में बात करेंगे, 15,28,000 देने के बाद आपको क्या क्या मिलता है इसमें, अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा कम है ना, अगर आप लोग थोड़े से ऊपर वेरिएंट्स में नहीं जाना चाहते हो और पूरा फील चाहिए कि हाँ XUV 700 का पूरा जो नए फीचर्स हैं, नए एलिमेंट्स हैं, उनका पूरा फील आपको मिले, तो ये वेरिएंट आपके लिए आई थिंक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। वैसे तो AX5 जो इसका वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा बिकता है, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है। और अगर बात करें ना इसके कंप्लीट आज तक की कितनी बुकिंग हुई, तो भाई 170,000-160,000 इसकी बुकिंग हो चुकी है आज तक की, महिंद्रा ने कन्फर्म किया है पिछले अक्टूबर 2021 से इसकी इतनी सारी बुकिंग हो चुकी है। हर महीने 9,000-10,000 ऐसे यूनिट्स के सेल होते हैं, इसकी इतनी सारी हो गई। स्कॉर्पियो एन महिंद्रा ने लॉन्च करी, उसकी एक घंटे में 1 लाख से ऊपर बुकिंग चली गई। इतना ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट भी है, लेकिन कंपनी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनको डिलीवर कितना जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक अलग पार्ट होगी कि कितने वेरिएंट्स में आती है, तो आती है MX, AX3, AX5, AX7 और AX7L, यानी लग्जरी लाइन वाला, वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। इंजन ऑप्शन वैसे आपको सभी को पता है, पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है। तो बाकी आज सारी सारी बात करने वाले हैं कि AX3 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो शुरू करेंगे भाई फ्रंट से, फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेटअप मिलता है वो सारा सारा आपका मिल जाता है हेलोजन बेस्ड में। यहाँ पे कुछ भी आपको LED वाला जैसे यूनिट आते हैं ना वो नहीं मिलेगा। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है, DRLs वगैरह इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ताकि आपका जो टॉप मॉडल वाला फील है ना वो बरकरार रहे। यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे हाई बीम, यहाँ पे लो बीम, सॉरी यहाँ पे आपका लो बीम और यहाँ पे आपका हाई बीम वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पायलट लैंप वगैरह है वो उसमें नहीं मिलता, इसकी जगह आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये हो गए सारी सारी DRLs की बात। नीचे की बात करें, फॉग लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं आपको सारे सारे यहाँ पे। ये फॉग लैंप्स यूनिट आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि ये आपका LED में मिलता है, ये कोई हेलोजन वगैरह वाला सीन नहीं, ये LED वाला पार्ट है, एरोडायनेमिक वहाँ से बनाई। बाकी फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा एक ओवरऑल बम्पर का लुक देखने के लिए मिल जाएगा, और बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो वीडियो करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए पॉज, लेकिन नहीं करेंगे। बाकी फ्रंट से एक ओवरऑल लुक की बात करो तो कुछ ऐसा मस्त ओवरऑल लुक निकल के आता है आपके XUV 700 AX3 का वेरियंट है ये। इसको फ्रंट से देखने में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। बात करें यहाँ पे तो सेम वही ग्रिल मिलती है जो आपको टॉप मॉडल मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे जो वो तो L में आता है, वो तो आपका जो AX7 है ना उसमें भी नहीं आएगा। जो फ्रंट और 360 डिग्री कैमरा आता है ना वो तो आपका इसमें भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी इस साइड से लुक की बात करें, सेम वैसा ही लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला जैसा उस साइड मिलेगा। अब बात करते हैं साइड वाले प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल कैसी मिलती है। तो बाकी भाई कुछ इस तरीके की आपकी जो साइड प्रोफाइल है AX3 की वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें जो व्हील्स वगैरह आते हैं ये आपको इसमें व्हील कवर जो है आई थिंक आते हैं या नहीं आते, मैं कंफर्म नहीं, अगर आते होंगे तो मैं आपको ना कंफर्म कर दूंगा डिस्प्ले में, बट ये कुछ ऐसे लगता है। अगर ये विदाउट व्हील कवर आपको मिलेगी ना तो डेफिनेटली अच्छी लगने वाली आपको, क्या किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। साइड से कुछ ऐसा एक ओवरऑल लुक निकल के आता है कार का, ब्लैक कलर में आपकी जो हाफ है मतलब विंडो लाइन गार्निश एरिया है सारा सारा ब्लैक मिलता है। डायमेंशन की आप अगर बात करें कार, 4695 mm की टोटल लेंथ मिलती है, 1890 mm की टोटल इसमें आपको विड्थ मिलेगी, 1755 mm कि इसमें मस्त आपको हाइट देखने के लिए मिलती है। व्हील बेस की बात करें 2750 mm का आपका इसमें व्हील बेस मिलने वाला है। और साइड से अब बात करते हैं ORVMs की, ORVMs की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपके ORVM विद ग्लॉसी पियानो फिनिश, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। ये हो गए ORVMs की बात। यहाँ पे बात करें एरो ट्विन वाइपर्स, अच्छी क्वालिटी वाले जो आते हैं ना थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन, वो आपको मिलता है। और भाई बारिश हो गई तेज तो थोड़ा सा करना पड़ेगा वीडियो को पॉज। भाई जैसे ही डायमेंशन बताने लगे बारिश यहाँ शुरू हो गई, तो बारिश अब बंद हो चुकी फिलहाल। तो बाकी साइड से ओवरऑल सारी सारी बात हो गई थी, और इसकी बात बताई थी ORVMs वगैरह की, वाइपर्स वगैरह की सारी आपकी बात हो चुकी थी। ये मैनुअल आते हैं, टॉप वेरिएंट्स में आपका इसमें ऑटोमेटिक भी आते हैं। बाकी अब बात करें अगर इसके टायर साइज की, मिलता है 17 इंच का, इसकी प्रोफाइल है 235/65 R17 इंच का, ये कुछ टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क्रेस वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका क्लैडिंग्स वगैरह दी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है। इसमें व्हील कैप आई थिंक आता होगा तो मैं मेंशन जरूर करूंगा। बाकी योगी चीज़, बाकी रियर में भी आपका डिस्क ब्रेक मिल जाता है, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यानी चारों ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी जो AX7 वाला लुक है ना, ये इनके बेस वेरिएंट से ही आता है, ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे आप इसे यूँ लॉक कर सकते हो और यूँ अनलॉक कर सकते हो। बाकी जो AX7L है उसमें तो आप जैसे रिमोट की अपनी दबाओगे वैसे ये ऑटोमेटिकली चारों के चारों बाहर आ जाते हैं, तो वो एक अलग फीचर है, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी 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 साइड से बात। अब बात करें अगर इस तरफ फ्यूल लीड की, तो फ्यूल लीड यहाँ पे आपको बाहर से ही ओपन करने के लिए मिल जाती है, चाहे वो बेस मॉडल चाहे टॉप मॉडल, पेट्रोल वाला वेरिएंट है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पेट्रोल, ठीक है। ये हो गई सारी सारी बात, जो भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी आपके डिस्प्ले मेंशन हो जाएगी। एड्रेनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल से, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ।
तो भाई अब आ चुके हैं कार की पीछे की तरफ, ठीक है। ये है कुछ ऐसा मस्त पीछे का प्रोफाइल, पीछे का प्रोफाइल सेम मिलता है, कुछ भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सारे सारे LED डिफ्यूज फॉर्म में आपके LED टेल लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे भी LED, यहाँ पे मिल जाता है आपका इंडिकेटर्स वगैरह LED मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाता है आपका रिवर्स लाइट, और ये सारे ब्रेक प्रेस होने पर सारी सारी लाइट ग्लो होती है। XEV 700 एक सीरी की बैचिंग मिल जाती है। पीछे आपको मिल जाएंगे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, बाकी मिल जाता है यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर्स, ब्लैक पियानो फिनिश वगैरह मिल जाती है, और कुछ ओवरऑल इस तरीके का एक लुक आपको मस्त देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर बादलों का लुक भी देख लेना, वो भी अच्छा मिलता है। बाकी पीछे की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है हमको वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल ये सारी सारी बात पीछे की, क्योंकि अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। पहले उससे पहले यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे मिल जाता है महिंद्रा का लोगो, कैमरा वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आता, टॉप वेरियंट्स में यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। बाकी बहुत हैवी बूट है भाई, खोल लूँ इसको पहले, आराम से तो खुलता ही नहीं है। बाकी भाई कुछ ऐसा आपको बूट स्पेस वगैरह मिलता है, इतनी हाइट पे टेलगेट जाएगा। बाकी इसके अंदर सामान वामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी ये सामान वगैरह रखा हुआ है। आई थिंक इसमें इसके व्हील कैप, हाँ व्हील कवर इसमें आते हैं, मैं जिसको कंफर्म करना था मैं वो चीज़ कंफर्म कर चुका हूँ। व्हील कवर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, चार व्हील कवर्स इसमें आएंगे। इसको आप उठाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे टूल किट वगैरह मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको और स्टोरेज एरिया वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है, हल्का सा ही है, उठ गया था ऐसे, ठीक है। हालांकि ठीक है, ये हो गई पीछे सारी सारी बात, अब क्लोज करते हैं। इसमें कोई भी रेयर पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती, यहाँ पे स्पेस वगैरह जरूर है, आप चाहो तो एक्सेसरीज में या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। बाकी क्लोज करते हैं इसको और बात करते हैं अब ड्राइवर साइड में, वही तो मेन है। बाकी एक बार साइड से प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको कैसे मिलती, कुछ ऐसी मस्त प्रोफाइल वगैरह आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली। आप चलते हैं ड्राइवर साइड, बाकी भाई सेम वही डोर हैंडल। यहाँ पे आपके डोर की अगर बात करें तो कुछ ऐसा मस्त सा डोर वगैरह आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ब्लैक एंड बीच कलर इसको कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा वैसी फिनिश मिलती है यहाँ पे, सारी सारी सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ये ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो, यहाँ पे लॉक करने के लिए, यहाँ पे विंडो लॉक करने के लिए, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके ORVM सारे के सारे एडजस्टमेंट के साथ। फोल्डेबल नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आएंगे। एक रैप हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है आपके बॉटल होल्डर, स्पीकर्स वगैरह, नीचे यहाँ पे जो एक सेफ्टी लैंप आता है ना वो भी नहीं आता इसमें, वो आपको टॉप वेरिएंट्स वगैरह में आने वाले आगे और ऊपर जो वेरिएंट्स है ना उसमें देखने के लिए मिलेगा। किसी की वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, या फिर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी महिंद्रा की, वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो। अब बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स में यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, एक लाइन एंगल मिल जाएगा, फैब्रिक में सारी सारी सीट्स आती हैं ब्लैक कलर की। अब बात करें अगर डैशबोर्ड के ओवरऑल लुक के बारे में, तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड की अगर लुक की बात करें तो चाहे X7 ले लो, चाहे X7L ले लो, चाहे X5 ले लो, चाहे X3, लुक है सबका सेम मिलने वाला, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी हाँ थोड़ी सी लेदर फिनिश वगैरह वगैरह वो मिल जाती है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, बाकी और कोई ज़्यादा बड़ी मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी यहाँ पे बात करें AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे बात करें सारे MID रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाता है हेडलाइट लेवलर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ बटन मिल जाता है, ये सारे के सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं ये आपके मिलेंगे MID फीचर्स के। तो अब बैठते भाई कार के अंदर, फिर बात करते हैं आपसे आगे। सो कार के अंदर बैठने के बाद आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको मिल जाता है डीकट स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप वगैरह कुछ नहीं आता, आफ्टर मार्केट आप चाहो तो करवा सकते हो। X5 में भी आई थिंक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपका नहीं मिलता है। बीच में मिल जाता है वही बटरफ्लाई वाला न्यू महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये टिल्ट एंड ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे बात करें कंट्रोल्स वगैरह की, तो मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल रिसीव, डिस्कनेक्ट के। बाकी यहाँ पे बात करें तो वाइपर्स के रिलेटेड फ्रंट एंड रियर दोनों वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके सारे हेडलैम्प्स के। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं आता, मैनुअल हेडलैम्प्स से सारे सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। साइड्स में जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, AC वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये चीज़ देखो आप, पूरी कनेक्टेड आपके LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले वगैरह कुछ भी कह लो इसको, वो मिल जाते हैं आपके। और अब एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, जो कि सेम जैसा आपको X7 वगैरह मिलता है ना, सेम वही वाली डिस्प्ले वगैरह मिलने वाली है। मेरे सिस्टम इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया, आपकी ड्राइवर साइड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो डिस्प्ले है वो भी आपको सेम ऐसे मिलते हैं, डिजिटल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। और अगर आपको इसको यहाँ से कंट्रोल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो, पेज वाला यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा, पेज वाला जैसे बटन दबाओगे तो आपकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट वगैरह भी शायद आप इसका चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके जितने भी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी शो करता रहेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह, टाइम हो गया, आपकी डिजिटल स्पीड बता देगा और एवरेज वगैरह जितनी भी है सारी सारी यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो करता रहेगा। तो ये हो गई सारी सारी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात, ठीक है। अब आते हैं आपके इसके म्यूजिक सिस्टम की तरफ,
सुबह की भाई कुछ ऐसा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के मिलता है। चार स्पीकर, दो ट्विटर्स, यानी टोटल सिक्स स्पीकर का आता है। बाकी जब AT L वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ तो आपको 13 या फिर 12 स्पीकर का सोनी का 3D सराउंड साउंड सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सारे सारे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आता है, म्यूजिक, रेडियो, FM वगैरह सारे सारे फीचर्स मिलते हैं। और अगर फीचर्स वगैरह की बात करें तो एक बार इसको होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सारे सारे जजाइल, माई ड्राइव मैनेजर, न्यूज अपडेट, ओनर्स मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह, ट्रैवल एक्सप्लोर और जितने एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। एड्रेनोस की कनेक्टिविटी जाते, यानी फोन से ही कार स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ, एसी ऑन करना ऑफ करना, हेडलैम्प्स ऑन करना वगैरह सारी चीजें, जियो फेंसिंग वगैरह हो गई, सारी चीजें आप अपने फोन से ही कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए उसमें भी मिल जाते हैं। तो ये हो गए आपके इंफोटेनमेंट रिलेटेड सारी बात। ऊपर बात करें तो मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है आपके LED लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, माइक वगैरह यहाँ मिल जाता है। वैनिटी की बात करें तो यहाँ पे विनर वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टिकट होल्डर आता है। और यहाँ पे बात करें तो पैसेंजर साइड आपका मिरर मिल जाता है, बट लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल और यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। AC आपका मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक वाले AC अपर वेरिएंट्स में जाके मिलेंगे। यहाँ पे सारे उसके फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका हजार्ड ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पैसेंजर जो एयरबैग उसको ऑन ऑफ करने के लिए, बट यहाँ पे बटन ये काम नहीं करता, आपको यहीं से यानी आपके सेटिंग्स वगैरह में जाके वो ऑफ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सब वही चीज़ है, डमी बटन से सारे एक ही दो बटन से जो काम करते हैं। होम वाला ये काम करता है और ये आपका स्क्रीन सेवर वाला जो काम करता है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह आता है बट वो AT L वगैरह में आएगा। फोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है एक USB पोर्ट। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर भी ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी यहाँ पे ग्लॉसी पियानो फिनिश मिल जाती है, चाबी रखने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी, एक ग्लास होल्डर है, हैंड ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, यहाँ पे हार्ड फिनिश है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दिया हुआ। बाकी अंदर आपको स्पेस मिल जाती है, वॉलेट वगैरह, की वगैरह रखना हो, कुछ भी रखना हो रख सकते हो। बाकी डैशबोर्ड ब्लैक एंड बीज एंड सिल्वर और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश, यानी 4 टोन कह सकते हो इसको वैसे। बाकी कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड वगैरह देखने के लिए मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे नॉन कूल्ड नॉन एल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह बहुत बड़े मिलती है और जो भी चाहो वो रख सकते हो। बाकी आगे की जितनी बात थी सारी कवर हो चुकी है। नीचे पेडल्स वगैरह मिल जाते हैं मैनुअल में, क्लच वगैरह इसका वैसे तो काफ़ी लाइट लग रहा है मेरे को। बाकी जो जैसी ड्राइविंग हो उसकी वो हिसाब से लगा सकता है। तो अब चलते हैं कार के पीछे और फिर बात करते हैं। तो बाकी भाई डोर की अगर बात करें, डोर कैसे मिलता है, डोर आपको सिंपल यहाँ पे ब्लैक बीज एंड सिल्वर फिनिश मिल जाती है। ये ब्लैक कलर्स के मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह मिल जाता है। ठीक है, ये हो गई सारी बात आपकी। और यहाँ पे मिल जाती है, देखो किसी को नहीं पता बता दो, चाइल्ड लॉक जो होता है ना वो यहाँ पे मिलता है। बाकी सीट्स वगैरह की बात करें तो मस्त सीट मिलती है, फैब्रिक मिलती है वो एक अलग बात है, बट सीट्स वगैरह मस्त मिलती है। ये देखो फिनिश वगैरह बहुत अच्छे तरीके से महिंद्रा बहुत इंप्रूव कर चुकी है आजकल। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल आपका हेड्रेस वगैरह मिल जाता है, 60-40 का कोई भी स्लीप फंक्शन वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ISOFIX वगैरह यहाँ पे देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। और बाकी स्पेस वगैरह की बात करें तो अब बैठते हैं कार के रियर सीट में। और स्पेस की बात करें तो एक नंबर स्पेस, अंडर थाई सपोर्ट, सीट की जो रिक्लाइन एंगल है सब कुछ अमेजिंग है, कोई भी शिकायत नहीं है सिटिंग एंगल के वाइज। और अगर आपका अंडर थाई सपोर्ट की बात करें सब कुछ A1। पीछे की बात करें तो यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 AC वेंट मिलेंगे, एक टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, पीछे फोन रखने की थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और बाकी इसमें अब अगर बात करें कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वेरियंट में आपको जाके 6-7 एयरबैग्स भी मिलते हैं, बट इस वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग्स वगैरह देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ बात करें तो कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता, जो थर्ड वाला आपका पैसेंजर वाला हेडरेस्ट है वो फिक्स मिलेगा। बाकी ऊपर आपको मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल फ्लेक्सिबल दोनों साइड में, कोठू का आपका मिल जाता है, LED लाइट्स मिल जाती हैं दो, एक यहाँ पे और एक आगे। अब पीछे से अगर ड्राइवर साइड लुक की बात करें तो कुछ मतलब एक डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक और बात बताना भूल गया था, ये जो आपकी सीट बेल्ट हैं ये आपकी एडजस्टेबल आती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड आपकी सीट बेल्ट है, ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों सीट बेल्ट आपकी एडजस्टेबल आती है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो। इंजन की बात कर लेते हैं क्योंकि इंजन की बात नहीं करी। तो भाई अब बात करते हैं इंजन के बारे में, पूरी कार की बात हो चुकी है तो अब इंजन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको मिलता है इंजन स्पेक्स की अगर बात बताएं तो भाई बोनट तो पहली बात तो बहुत भारी है। इंजन स्पेक्स की बात करें, 2 इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, पेट्रोल में 2 लीटर का मिलेगा और डीजल में 2.2 लीटर का मिलता है। ये पेट्रोल वाला, तो आज इसकी बात करते हैं। पेट्रोल में आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 200 BHP और 380 Nm का टॉर्क। इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर और 7 सीटर दो इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इसमें माइलेज वगैरह की बात करें तो आराम से 14-15 का एवरेज आपको इसमें निकाल के दे देती है। तो ये थी सारी बात आपके एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन की। सेम ये इंजन आपका थार वगैरह और नई वाली स्कॉर्पियो में भी, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना उसमें भी देखने को मिलता है। स्कॉर्पियो बहुत जल्द आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की वीडियो भी, शायद कल ही आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल पर मिल सकती है। तो अब कर लेते हैं भाई इसको क्लोज और
अब कर लेते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड। तो अगर आप लोग यहां तक आ चुके हो तो XUV300 के नाम का एक लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहां तक आए हो ना आप लोग, जितने भी लोग नए आए, क्योंकि वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, चैनल बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे ऐसी ही मस्त मस्त वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग ब्लॉग्स वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो एक मेरा नया ब्लॉग का भी चैनल है, आप लोग चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी डिस्प्ले में मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलने आ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।